टोरेंट एक्स दे रहा है 5,000 शिबा कॉइन सिर्फ torrentexchange.org पे रजिस्टर करने पर और 10,000 शिबा कॉइन अपने दोस्तों को रेफर करने पर। तो जल्दी करें, आज ही torrentexchange.org पर रजिस्टर करें और अपने दोस्तों को रेफर करें। टोरेंट एक्स है तो सेफ है। स्थानीय निकाय चुनाव टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, टीएमसी की याचिका खारिज। सीएम केजरीवाल का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में संबित पात्रा पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिया आदेश। टीएमसी में शामिल हुए पवन वर्मा, ममता बनर्जी ने किया स्वागत। सीएम योगी का निशाना, बोले समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी भावनाओं को भड़का रहे हैं। कंगना रनौत की बढ़ेंगी मुश्किलें, सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज होगी एफआईआर। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर से वर्चुअली किया। इस मौके पर नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। नड्डा ने प्रतापगढ़ समेत 7 जिलों में बनाए गए भव्य भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा और अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। कानपुर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। आज कुल 8 कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें काशी क्षेत्र के प्रतापगढ़ कार्यालय का, यहां से हम सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 61 कार्यालय हो जाएंगे, जो एक सपना देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी ने देखा था। उसके निमित्त पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो और उसका सपना पूर्ण होते हुए हम सब देख रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्यालय उसका महत्वपूर्ण आलय होता है, तो इसलिए ऐसे कार्यालयों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण और सभी जनता के बीच में कार्यालय होना चाहिए, तो इसलिए। वही आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश व पूर्व सरकार और मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा भाजपा सरकार मेरे ही कामों को अपना बता रही है। इसी के साथ मायावती ने यह भी कहा कि हम 2007 की तरह 2022 में भी जनता के बीच आ रहे हैं। मायावती के इस बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बसपा सुप्रीमो एक महान नेता है, लेकिन जनता जानती है कि किसने किसका ज्यादा हित सोचा है और कौन किसका विकास गिना रहा है। मायावती के इसी बयान और आगामी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत की। मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके अब शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं, जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। राजेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी हमारे कामों को लेकर आगे बढ़ी थी और भाजपा भी बढ़ रही है, और बाकी चीज़ें यही कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारा काम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है
और उसमें उन्होंने कहा है कि बसपा का जो काम था वो सपा गिना रही है और वो कहते हैं कि बीजेपी वाले सपा का काम गिना रहे हैं। तो नेता है, महान नेता है, उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए। लेकिन उनका काम उनका है, अखिलेश जी का काम अखिलेश जी का, और अखिलेश जी का काम जो 5 वर्ष में वो पूरा देश और उसको बढ़िया मान रहा है और विकास पुरुष उनको मान रहा है। किसानों को लेकर जो फैसला लिया गया फिर उसे वापस कर लिया गया, लेकिन अभी भी किसान मान नहीं रहे हैं, सरकार को क्या रुक देखें? किसान की वास्तविक समस्या तो ज्यों की त्यों है। किसान जो मांग रहे थे उस पर कोई विचार नहीं हुआ। जो थापा गया, थोपा गया था किसानों पर 3 कानून काले, उसी को तो वापस लिया गया। अभी वापस हुआ कहाँ? जब सब लोकसभा से हो तो पता चले। सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राम गोविंद चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों पर जो बिल थोपा गया था वो अभी वापस नहीं हुआ है, सिर्फ एक आश्वासन है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो बयान आया है वो एक बड़ी नेता है, लेकिन सपा का ही काम है, ये सारी जनता जानती है। और सपा की ही सरकार आने वाले दिनों में 2022 में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तियारी गांव में 3 तलाक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, 3 तलाक देने के बाद पत्नी और उसके परिवार को लगातार आरोपी के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करके कार्यवाही का फिलहाल आश्वासन दिया है। जी, मेरी शादी हुई थी 4 जुलाई को, और जो है मतलब मेरी बुआ के बेटे के साथ ही हुई थी। तो जो है वो मतलब उनका अफेयर कहीं और था, वो शादी मतलब जो भी रहा होगा उनका, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता थी तो हमने शादी के लिए मना कर दिया था। तो मतलब उफ़ी थी मेरी, तो उन्होंने मतलब प्रेशर किया अम्मी पे, तो अम्मी मतलब मान गई, तो शादी मेरी हो गई। उसके बाद मतलब शादी के तुरंत बाद से ही जहेज को लेकर मतलब ये सब चीज़ें वो लोग ताना देते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, मतलब पूरे घर भर उनको परेशान करते रहे। लेकिन मतलब हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पापा है नहीं मेरे, भाई है मेरे, इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। तो जो है और उनके भाई लोग सब बदतमीजी करते रहे, हमने अपने मतलब शौहर से भी शिकायत की तो उन्होंने कोई वो नहीं किया। उसके बाद कहा कि मतलब यहाँ रहना है तो मेरी सुन के रहो, और जो है अगर वो करोगी तो हमने जब मतलब ये लोग पैसे वाले हैं तो इनको मतलब कोई किसी तरह का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। तो हमने जब वो चीज़ मना की तो हमें मारा, और मारने के बाद हमें तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जो है मेरे घर में फ़ोन किया, अब भाई आए, फिर हम अपने घर चले आए। वही फतेहपुर के देवमई गांव में शासन के आदेशों के धज्जियां उड़ाते हुए पराली जलाई जा रही है। एक तरफ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ किसानों की तरफ से इस तरह से पराली जलाने का काम जारी है। आपको बता दें कि लगातार पराली को लेकर किसानों को टारगेट किया जा रहा था। लगातार सरकार का मानना है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देवमई गांव से ऐसी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है, जहां पर किसानों ने पराली जलाई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच फतेहपुर से इस तरीके की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं बेहद ही गंभीर हो जाता है। देवमई गांव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह से किसानों के द्वारा पराली जलाने का काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर से दर्शाता है कि किसानों के अंदर सरकार के आदेशों का कोई भी भय इस वक्त नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पराली जलाने के मामले में कई किसानों पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। यूपी सरकार इस वक्त पराली जलाने के सख्त विरोध में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर के देवमई गांव से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर इस वक्त हम आपको देवमई गांव से एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर के बीच पराली जलाई जा रही है। देवमई गांव का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान इस वक्त सरकार के आदेशों की अनदेखी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखा जा रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की कई बार केंद्र सरकार से
सुप्रीम कोर्ट की बातचीत हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पराली जलाने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इसी बीच इस तरीके से तस्वीरों का सामने आना कहीं ना कहीं एक बार फिर से राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है कि वो किस प्रकार से इस पूरे मामले पर कार्यवाही करते हैं। जिस तरह से किसानों के द्वारा विकासखंड मुख्यालय पर जो बोर्ड लगा है उसमें भी अवशेष प्रबंधन के स्लोगन भी लिखे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले को साफ तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए भी किसान अपनी मनमानी से इस वक्त बाज नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्नाव पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि हत्या, दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अपराधियों के खिलाफ किए जा रहे एक्शन को लेकर हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी ने उन्नाव कप्तान से खास बातचीत भी की है। अपने पीछे गुनाहों को जरूर छोड़ जाता है। लगातार जनपद उन्नाव की पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ बात करेंगे उन्नाव कप्तान दिनेश त्रिपाठी जी से, किस तरीके से आखिर जनपद उन्नाव की पुलिस कार्य कर रही है और किस तरीके के खुलासे किए गए। सर, लगातार जनपद उन्नाव की पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। एक महीने के कार्यकाल में आपने भी कई खुलासे किए हैं, सर आगे की क्या रणनीति तय की गई है? सर हमें लगभग एक महीना हो गया यहाँ पर आए हुए। हम लगातार जो है अपराधियों पर दबिश दिलवा रहे हैं और उनके सर्वलांस भी मॉनिटरिंग की जा रही है और हमने कई घटनाओं को इधर कई लूट की घटनाएं की वर्कआउट कराया है, कई चोरी की घटनाओं को भी हमने वर्कआउट कराया है। माल और मुलजिम दोनों पकड़े गए हैं और उन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करा रहे हैं और इस संबंध में लगातार हमारे जो थाना प्रभारी हैं और थाने की टीम है, हमारी स्वाट टीम है, सब टीमें मिल करके, सारे अधिकारी हैं, सारी टीमें मिल करके कार्य कर रहे हैं। हम लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे और जिससे यहाँ पर जो है कोई भी घटना घटित ना होने पाए। सर, जैसे कि उन्नाव लगातार महिला अपराधों के लिए सर चर्चा में रहा है, किस तरीके से महिला अपराधों को रोकथाम के लिए जनपद उन्नाव की पुलिस सर अभियान चलाएगी? हम यहाँ प्रत्येक थाने में महिला डेस्क बनी हुई है, महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी घटनाएं पता चल रही है हम उस पर तत्काल उस पर जो है विधिक कार्रवाई करा करके उस पर विधिक कार्रवाई कराते हैं और उस पर आगे भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमेशा विधिक कार्रवाई कराएंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे उन्नाव कप्तान दिनेश त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और महिला अपराधों में लगातार जो भी बढ़ोतरी हुई थी उसे कम की जाएगी और लगातार त्वरित एप्लीकेशन थानों के द्वारा त्वरित एप्लीकेशन पे कार्रवाई की जाएगी। मैं चैतन्य त्रिपाठी, प्राइम टीवी, उन्नाव। वही संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव में दो लोगों के बीच हुए मामूली विवाद और चुनावी रंजिश की वजह से हंगामा हो गया। दोनों लोगों के बीच हुए विवाद को देखकर कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे करके दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच हुए इस विवाद में जोरदार मारपीट का वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला यह है कि प्रधान ने जो वोट ना देने के कारण बोले कि एक आदमी की गोली मारी और एक आदमी की छुरी कुहाड़ियों से बोले कि जो घायल कर दिया है। कौन है प्रधान? प्रधान किसान। किस बात को लेकर मारा? वोटों के ऊपर बोले सालों तुमने हमें वोट नहीं दिया, हम देखूंगा तुम्हें। कौन से गाँव का मामला? इटाला माफी। पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत की, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए हम बोले कि 112 गई है, बाकी जो थाने से या चौकी। वही ललितपुर के कस्बा बिरधा में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां गांव में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। साथ ही नालियों की कई सालों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किसान इंटरनेशनल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर भी गंदगी का अंबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारी समस्या है कि हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही है, नाली का निकास नहीं है और प्रधान से हम लोग कई बार कह चुके हैं। प्रधान जी आजकल कहते हैं हम लोगों से जो नाली है ना, जो साफ नहीं कराते हैं जो लोग, प्रधान जी से 2-3 बार कह चुके हैं, वे भी साफ सफाई नहीं कराते हैं। यहाँ के 2 साल से हमारे जब ऐसे गंदगी मच रही है, जो गंदगी फैली है, बच्चा छोटे छोटे हैं, बीमार भी होते हैं, कोई सफाई करने वाले आते नहीं हैं।
यहाँ सुनाई नहीं करती है। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से किसानों को रिझाने में लग चुकी है। इसी कड़ी में आज गाजीपुर में भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें पहले की घोषणा के अनुसार 400 ट्रैक्टर की बात कही गई थी, लेकिन करीब 50 ट्रैक्टर ही इस रैली में शामिल हो पाए। इस ट्रैक्टर रैली को कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस पूरी रैली का आगाज किया। इसी के साथ सांसद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। जनता पार्टी के जो जिस प्रकार से मोर्चे हैं, चाहे इसमें किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, तो ये इस प्रकार के सभी मोर्चों के अपने अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो इस मोर्चों के माध्यम से किसानों के बीच में जन जागरूकता करना, हमारे सरकार के जो योजनाओं को किसानों तक पहुँचाना, ये इस रैली का। वही स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर आज यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। स्कूल संचालकों का कहना है कि पहले ही कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, ऐसे में अब चूंकि प्रदूषण भी कम हो गया है तो उन्हें वापस स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए। स्कूल संचालक की ओर से कहा गया है कि पहले कोरोना के चलते और अब वायु प्रदूषण के चलते फरीदाबाद में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और उसके बाद फिर सर्दियों में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए जाएंगे, हम बच्चों की पढ़ाई ऐसे में कैसे कराएंगे। अब स्कूल संचालकों से मुलाकात के बाद जिला उपायुक्त ने कहा है कि यह मामला अदालत में है, इसलिए अदालत के आदेशों के बाद ही स्कूल खोलने के आदेश दिए जा सकेंगे। प्रमुख मांग तो हमारी है कि स्कूलों को खोला जाए। कोरोना के बाद जैसे तैसे स्कूल खुले थे, उसके बाद आप देखेंगे कि 2 महीने भी स्कूल नहीं चल पाए हैं। उसके बाद डेंगू आ गया, डेंगू से बहुत प्रभाव पड़ा हम पर। अब फिर आने वाले टाइम में अभी सर्दियां बढ़ने वाली हैं, फिर गवर्नमेंट फिर उसके लिए प्रेशर बनाएगी कि स्कूल बंद किए जाएँ। तो इसलिए अब पॉल्यूशन की जो AQI है वो अब काफ़ी घट चुका है, AQI 100 से नीचे आ चुका है। तो इसलिए अब सरकार से हमारी यही गुहार है कि स्कूलों को जल्दी खोला जाए। मांगे हमारी बहुत छोटी सी है कि स्कूल काफ़ी टाइम से बंद है और बच्चे काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों के एग्ज़ाम सर पे आ गए और बोर्ड ने फॉर्म भरने की भी डेडलाइन दे दी है, तो उनके फॉर्म वगैरह भी भरे जाने हैं। तो ये बहुत छोटा पीरियड है, इनमें जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज हैं उनमें थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक बच्चे से सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं, पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। नहीं, आज ये यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के पदाधिकारी आए थे तो उनकी मेजर डिमांड यही थी कि पिछले 1.5 साल से COVID-19 की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं आ पाए। ये सभी हमारे जो एसोसिएशन है, ये जो हरियाणा बोर्ड है उससे संबंधित है, तो उनकी मेजर डिमांड ये थी कि स्कूल खुले जाएँ। तो मैंने आश्वस्त कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी की कोई भी डायरेक्शंस आती है। अभी जो उनकी पुरानी डायरेक्शंस थी उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टिल फर्दर ऑर्डर्स बंद होने की थी, जैसे नई डायरेक्शंस आएगी। वही फरुखाबाद में कायाकल्प योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम जिला अस्पताल का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। बता दें कि कायाकल्प योजना के तहत टीम सफाई व्यवस्था को देखने के लिए पहुंची हुई थी। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से भी रोक दिया। इसी बीच डॉक्टरों की तरफ से मीडिया कर्मियों को रोकने का वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रहा है। वही फतेहपुर के थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम लहूरी सराह में ANM सेंटर पर अज्ञात चोरों ने सेंटर का मेन गेट का ताला तोड़कर कई मेडिकल उपकरणों की चोरी की और मौके से फरार हो गए। ANM सेंटर चिकित्सा अधिकारी को सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरी किया गया सामान कपिल रोड से कुछ दूरी पर एक खेत से फिलहाल बरामद कर लिया है। हमारे सेंटर पे सुबह चोरी हो गई, ग्रामीणों के द्वारा पता चला है, ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली मुझे कि सेंटर का ताला टूटा पड़ा हुआ है। ताला तोड़ के यहाँ से एक मेज, अलमारी और कुछ चिकित्सकीय उपकरण।
वहीं बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग और विवाह में हुए बवाल के चलते युवक के पिता की हत्या कर दी गई थी। प्रेमी के पिता की हत्या के बाद लड़की ने प्रदेश सरकार से मदद और सुरक्षा की मांग करते हुए गुहार लगाई है। इसी के बीच पीड़िता ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। पीड़िता ने बताया कि हत्याकांड के बाद से ही आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता के गुहार लगाने का वीडियो भी सामने आया है। मेरे घर वालों ने मेरे पिता गजेंद्र और मेरे दो भाई हैं दीपक गुल्लू और एक ताऊ का लड़का शंकर, एक ताऊ है सुंदर, इन्होंने मेरे ससुर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी है। इससे पहले हमने एसएसपी और महिला आयोग और सीओ साहब के यहाँ अपनी हिफाजत के लिए और ससुराल वालों की हिफाजत के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। मेरे ससुर की हत्या करने के बाद वे लोग मुझे और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देकर। वहीं संभल में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि एसपी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी अभियान के तहत पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिरों के पास से 14 बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस शातिरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। थाना नखासा की पुलिस व एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा आज एक बड़ा खुलासा करते हुए करीब 14 बाइक बरामद की गई हैं। इसके साथ में दो फोर व्हीलर जिसमें एक सेंट्रो और एक होंडा सिटी है, इनको आज बरामद किया गया है। इसके साथ में दो अभियुक्त जिनका नाम सोमवीर और लोकेश है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से एक एक तमंचा जो अवैध रूप से निर्मित है वो, और उसके साथ में कुल 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर ये गाड़ियां बरामद की गई, इनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है कि जो इनके मालिक हैं उन तक ये पहुंचाया जा सके। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इनके दो साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ में इन लोगों के विरुद्ध चूँकि प्रकाश में आया है कि इनके द्वारा पहले भी चोरी की घटनाएँ की जा चुकी हैं, तो गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ में इन्हें माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।